हाय गाइस माय नेम इज़ पूनम कुशवाहा आई एम नर्सिंग ट्यूटर फ्रॉम आर के स्कूल ऑफ नर्सिंग इलाहाबाद नैनी माय सब्जेक्ट इज़ नर्सिंग फंडामेंटल एंड प्रीवियस टॉपिक में जैसे कि हमने डिस्कस किया था सीपीआर के बारे में है न उसके उसको कंटिन्यू ले रहे हैं तो प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था सिक्वेंस ऑफ सी अब हमको क्या पढ़ना है सी प्रोसेस सी प्रोसेस फर्स्टली सीपीआर प्रोसेस में हमको क्या देखना है कंप्रेशन एयर वे एंड ब्रीथिंग कंप्रेशन एयर वे ब्रीथिंग तो फर्स्टली टू मूव द क्लाइंट ऑन द फ्लैट सरफेस टू प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन मतलब कि क्लाइंट को मूव करना है एंड फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करना है फिर उसके बाद उसे सुपाइन पोजिशन देना है फिर उसके एयर वे को चेक करते हैं जा थ्रस्ट मैनुअल अपनाते हैं एंड कंप्रेशन फर्स्टली क्या था कंप्रेशन कंप्रेशन में क्या देखना है लोकेशन ऑफ कंप्रेशन जो उसका लोकेशन है कंप्रेशन देखने का क्या है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम ये टिक सेकेंड है बिटवीन द निपल्स और मोस्टली क्या याद रखना है अगर एक साल से ज़्यादा एक साल से ज़्यादा का बच्चा है उसके अंदर एडल्ट की तरह देते हैं कॉम्प्रेशन एंड अगर एक साल से कम के अंदर का बेबी है तो उसके अंदर जो इन्फेंट है उसके अंदर निप्पल्स के बीच में कॉम्प्रेशन करते हैं एंड मेथड ऑफ कॉम्प्रेशन क्या क्या मेथड होते हैं कॉम्प्रेशन के एडल्ट चाइल्ड एंड इन्फेंट एडल्ट में मोस्टली क्या करते हैं बोथ हैंड यूज करते हैं मतलब कि दोनों हाथ से कंप्रेशन करना है एंड चाइल्ड पे भी क्या करना है बोथ हैंड दोनों हाथ से कंप्रेशन करेंगे एंड इन्फेंट पे टू थम्स और फिंगर यानी कि टू थम्स एंड फिंगर का यूज करते हैं एंड डिप्थ ऑफ कंप्रेशन नेक्स्ट है डिप्थ ऑफ कंप्रेशन कितने तक कंप्रेशन करना है एडल्ट चाइल्ड एंड इन्फेंट तो एडल्ट में हमें टू इंच तक करना है कंप्रेशन एंड चाइल्ड पे टू इंच एंड इन्फेंट पे वन एंड हाफ इंच यानी कि वन पॉइंट फाइव इंच एंड फिर इसमें क्या है कंप्रेशन रेशियो जो कंप्रेशन रेशियो है कितना होता है एडल्ट चाइल्ड इन्फेंट में तो इसमें क्या देखना है सिक्योर में एडल्ट में होता है तीस अनुपातें दो एंड चाइल्ड पे होता है तीस अनुपाते दो एंड इन्फेंट में तीस अनुपाते दो यानी कि रिसिक्योर फर्स्ट में एडल्ट के अंदर तीस कंप्रेशन करना है एंड टू ब्रीथ देना है एंड चाइल्ड में तीस बार कंप्रेशन करना है एंड टू ब्रीथ देना है एंड इन्फेंट में तीस बार कंप्रेस करना है एंड टू ब्रीथ देना है एंड री सिक्योर सेकेंड जैसे कि पढ़ेंगे री सिक्योर सेकेंड इसमें क्या है रीसिक्योर सेकेंड में एडल्ट में तीस अनुपाते दो चाइल्ड में पंद्रह अनुपाते दो एंड इन्फेंट में पंद्रह अनुपाते दो यानी एडल्ट के अंदर हमें तीस बार कंप्रेस करना है एंड टू बार ब्रिद देना है एंड चाइल्ड के अंदर हमें पंद्रह बार कंप्रेस करना है एंड टू बार टू टाइम्स ब्रिद देना है एंड इन्फेंट में पंद्रह बार आ, कंप्रेस करना है एंड टू बार प्रीत देना है एंड नेक्स्ट है रेट ऑफ कंप्रेशन एडल्ट चाइल्ड इन्फेंट इसका जो रेट होता है रेट ऑफ कंप्रेशन का तो हैंड्रेड कंप्रेशन पर मिनट यानी कि हेंड्रेड कंप्रेशन पर मिनट देना है एंड फिर है एयर वे तो एयर वे में हमको क्या मोस्टली करना है चेक द एयर मतलब कि क्लीन करें जो एयर वे है उसको क्लीन करेंगे और फिर एयर देंगे ब्रीथिंग एंड एयर वे में तीस कंप्रेशन देने के बाद टू ब्रीथ देंगे यानी तीस बार कंप्रेशन देंगे उसके बाद टू बार टू टाइम्स ब्रीथ देने देने हैं लेकिन इसके अंदर जो कंप्रेशन है हंड्रेड ब्रीथ पर मिनट का रहेगा यानी कि हंड्रेड ब्रीथ पर मिनट का रहेगा लेकिन ब्रीथ सिक्स टू एट सेकेंड पर ब्रीथ डिलीवर करेगा यानी कि लेकिन जो ब्रीथ होगा तो उसमें सिक्स टू एट सेकेंड पर ब्रीथ डिलीवर करेगा करना है एंड क्लाइंट को क्लाइंट को टू एक्टिव ब्रीथ देने के बाद मतलब इसमें सिक्स टू एट सेकेंड ब्रीथ डिलीवर करना है फिर इसमें क्या करते हैं टू एक्टिव ब्रीथ देने के बाद भी अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है खुद ब्रीथ नहीं कर रहा है तो ब्रीथिंग की रेट बढ़ानी पड़ेगी कितना बढ़ाना पड़ेगा ब्रीथ पर सेकेंड ब्रीथ पर सेकेंड एंड इसका वेंटिलेशन 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 कितना होता है सिक्स टू एट ब्रीथ पर मिनट लेते हैं एंड नेक्स्ट है डिफ्रिब्रिलेशन ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस है इसके अंदर टू इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं लोकेशन क्या होती है इसकी इलेक्ट्रोड की अपेक्स ऑफ हार्ट एंड नेक्स्ट जो है बेस ऑफ़ हार्ट एंड अपेक्स ऑफ़ हार्ट एंड बेस ऑफ हार्ट एंड इलेक्ट्रिकल पावर यूज की जाती है इस पे जो इलेक्ट्रिकल पावर यूज की जाती है तो कैसी होती है कितना टू हंड्रेड जूल एंड थ्री हंड्रेड जूल एंड तीन सौ साठ जूल है ना? अलग अलग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है इसको ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस है इसके अंदर टू इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं लोकेशन क्या होता है इसका इलेक्ट्रोड का अपेक्स ऑफ हर्ट एंड बेस ऑफ दी हर्ट इलेक्ट्रिकल पावर यूज की जाती है जो इलेक्ट्रिकल पावर यूज की जाती है तो वो होती है 200 हंड्रेड जूल एंड 300 हंड्रेड जूल एंड थ्री तीन जूल अलग अलग प्रोसेस में यूज किया जाता है इसको एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सीपीआर की तो फर्स्ट होगा रिब फ्रैक्चर एंड सेकेंड स्टर्नम फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लीकेशन डिप्थ या लोकेशन प्रॉपर तरीके से चूज किए जाते हैं यानी लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ नॉलेज होगा उस कंडीशन में आप गलत जगह पर कंप्रेस करेंगे तो रिफ्रैक्चर भी हो सकता है यानी कि रिफ्रैक्चर में क्या है हेड और लंग्स को इफेक्ट पड़ सकता है अगर रिप टूटेंगे तो लंग्स को इंजरी होगी है ना यही था सी थैंक यू थैंक यू क्लास